आप देख सकते हैं काफी क्राउड, यहाँ काफी भीड़ बनी हुई है। हमरा सबके चाहिए लड़का सबके नौकरी, पढ़ल लिखल आदमी है, बौआई छी बेरोजगार, बेटा पढ़ लिख के बेरोजगार भतो बैठल छी। की मांग करै छी मुख्यमंत्री जी से? हमरा रोजगार चाहिए, रोजगार दिया। रोजगार की मांग महिलाएं कर रही है, क्या बातचीत हुई है? बातचीत अभी हुआ है, हम उनसे बातचीत कहाँ करते, कहाँ समाधान रैली निकाल लिए हैं, बस आवेदन ले लिया, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। हमको सम्मानजनक वेतन चाहिए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कानूनन अपराध। चलिए, नीतीश कुमार के जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, देख सकते हैं नीतीश कुमार जी मुस्कुराते हुए लोगों से अभिवादन कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, समाधान यात्रा के माध्यम से लोगों से बातचीत करते हुए, आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और मुख्यमंत्री जी लोगों से बातचीत करते हैं, उन लोगों की जो समस्या है उन समस्या को भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी स्वयं स्थल पर पहुँचे हैं और स्थल पर पहुँच करके समस्याओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, गेन कर रहे हैं, आखिर मामला क्या है, इन तमाम बातों की जानकारी ले रहे हैं। काफी क्राउड यहाँ बनी हुई है, आप देख सकते हैं काफी क्राउड यहाँ, काफी भीड़ बनी हुई है, और इस भीड़ में मुख्यमंत्री जी लोगों की समस्या सुन रहे हैं, और देख सकते हैं बिहार की बेटियां करे पुकार, शराब मुक्त हो अपना बिहार, ये तमाम तरह की स्लोगन लगा करके यहाँ खड़े हैं, जो आप देख सकते हैं विजुअली। कुछ नहीं हुआ है, बातचीत कुछ किए हैं कि नहीं? अभी नहीं बातचीत। तो आप लोग नशा मुक्ति का जो बैनर लगाए हैं, इसके लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग रहिका प्रखंड से विकास मित्रों के द्वारा बनाया गया ये गंगा ग्रुप के अध्यक्ष हैं हम, मेरा नाम खुशबू कुमारी है। इस ग्रुप के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कानूनन अपराध। चलिए, कानूनन अपराध है, देख सकते हैं बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, हाँ, सर, क्या बातचीत हुई है? हम लोग का स्कूल बना दिया, दिया पुत्र रोड पर जाए, पिता चाहे स्कूल चाहे हॉस्पिटल चाहे, हमरा सबके चाहिए लड़का सबके नौकरी, पढ़ल लिखल आदमी है, बौआई छी बेरोजगार, बेटा पढ़ लिख के बेरोजगार भतो बैठल छी। की मांग करै छी मुख्यमंत्री जी से? हमरा रोजगार चाहिए, रोजगार दिया। रोजगार की मांग महिलाएं कर रही है, बता रही है कि उनका बेटा पढ़ल लिखल है, और वो लोग सीधा सीधा बात मांग करते हैं कि नौकरी की नौकरी दी जाए, और क्या समस्या थी आप लोगों की? सर, दुकान को जला दे, प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए हम लोग से आए हुए थे सर, पिछले चार साल से भटक रहे हैं सर, माननीय मुख्यमंत्री से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, ताकि हम लोग को जैसे आस जैसे हो जाए कि अब हम नौकरी के मिलने वाले हैं। क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार सिंह, खजौली से। सर, हम लोग सातवीं साल प्राथमिक बहाली के लिए सर पिछले चार साल से सर हम संघर्ष कर रोड पर संघर्ष कर रहे हैं सर, माननीय मुख्यमंत्री। क्या बातचीत हुई है? सर, बातचीत हो गई है, हमने अपने आवेदन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री साहब वहाँ का है। सर, मैं रसोईया संघ की जिला अध्यक्ष मधुबनी से हूँ, 2014 से बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन देते आ रहे हैं हम। एक बात बोले, क्या बातचीत हुई है? बातचीत अभी हुआ है, हम उनसे बातचीत कहाँ करते, कहाँ समाधान रैली निकाल लिए हैं, बस आवेदन ले लिया, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। हमको सम्मानजनक वेतन चाहिए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे।